जय भीम साथियों, अब यात्रा शुरू की हुई है यहाँ पर देवबंद के काशीपुरे में, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपनी तानाशाही की बराबर तानाशाही दिखा रहा है, और तानाशाही की वजह से भीम आर्मी के मैन पेज को भी किसी कारणवश रोक दिया गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पुलिस यहाँ पर इस यात्रा को चलने से रोक रही है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर देखे पुलिस के अब घर किस तरीके से लोगों को किया है, और यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही पुलिस की हाथापाई होते हुए आराम से निकल के आ रहे हैं।
तरह से यहाँ पुलिस ने और SDM यहाँ देवबंद भी मौजूद है और उनके साथ CO CT भी मौजूद है और किस तरीके से यहाँ पर इस यात्रा पर गिरफ्तार होने के बाद यात्रा होके रहेगी। बाबा साहब का के बच्चे हम लोग जन्मदिन साहब का आशीर्वाद 15 मार्च को वही मनेगा। अगर कोई रोकेगा तो रोके जी भर लगा के, हम संविधान का पालन करते हैं लेकिन गिरफ्तारी चाहे फांसी चढ़ जाए। और यह गिरफ्तार होते हुए भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और पुलिस की हिरासत में और पुलिस की गाड़ी में मौजूद है। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें और किस तरीके से पुलिस की अपडेट ये दिखाता हूँ आप लोगों को। पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और उनके साथ प्रवीण गौतम, दीपक बोध और उनके साथ की पूरी टीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से आप जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। यह प्रशासन नहीं चाहता आवाज उठा सके, सबको अधिकार है अपने आवाज उठाने का, लेकिन यहाँ का प्रशासन नहीं चाहता कि ये लोग अपनी मदद करते और किस तरीके से यहाँ पर मुक्की हो रही है पूरे किस तरीके से मैं दिखाता हूँ और फोर्स बढ़ती जा रही है। मेरा निवेदन है जो आसपास क्षेत्र से भीम सैनिक है जल्दी से जल्दी आप पहुंचे कासिमपुरे में, यहाँ की हालत बिगड़ती जा रही है और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अरे झंडे खोलो यार, खोलो ले रहा हूँ सबको, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ये झंडे हाथ में नहीं।
गाड़ी मंगवा लो, बड़ी गाड़ी मंगवा लो, सबको भर लेंगे।
अधिकार सब मौजूद है। बस नहीं समझाना, मैं नहीं समझा पाऊँ। आपसे लोग आप दोनों लोग गाड़ी से उतर के पहले इन लोगों से डिसाइड कर लीजिए, समझा लीजिए। जब हम नहीं रोकेंगे, हम क्यों रोकेंगे? जब आप लोग नहीं रोकेंगे भाई, हमारा धर्म नहीं रोकेंगे। मैं तो सिंगल भी जा रहा था मोटरसाइकिल से, आप जाने के लिए। अरे भैया सिंगल आपको कौन रोका? आपका ऐसा जलवा है कि तुम सिंगल चली थी? सिंगल जा रहा था। जलवा है देखो दादा, एक चीज है, आपको तो बलि का बकरा बना जा रहा। डीएम एस पी हुई वही रोक लेते दम था। अब जो कुछ भी है, अब 4 किलोमीटर में काय को करे? मुजफ्फरनगर वाले को भरोसा छोड़ दो, निकल ले दो ना। जब आप समझ रहे हो तो बकरा बनने तो प्लीज तो मदद आप लोग कराओ ना। आप देखो ये महिलाएं आ गई हैं, अब इन्हें तो ये तो वह तो इनका खून मैंने, मैं भी नहीं रोक। देखो भाई मैं भी जानता हूँ मेरे लीगल राइट्स, मैं नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट का व्यक्ति हूँ और मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ। हम शहीदों के लिए शहीद का दर्जा अर्थों के लिए मांग कर रहे हैं, देश के लिए जा रहे हैं, आप सब लोगों के लिए जा रहे हैं। तो वो अब रोक के काहे को करवा रहे हैं? गाड़ी लगवा दो, 2-3 भरवा दो, हमारी भी वहीं चल रही है सब। यू कह दो और क्या, जब गिरफ्तारी देनी। गाड़ी लगवा दो 2-3 भाई, धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं। रुक जाओ रुक जाओ भाई, कौन है? अभी चंद्रशेखर आजाद जी आपसे वार्ता के लिए बाहर निकल रहे हैं। पुलिस ने और यहाँ के एसडीएम ने कुछ यहाँ पर महिलाएं
साथियों, अभी अभी सूचना मिली है जेएनयू के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो इस रैली में चंद्रशेखर के साथ समर्थन में आए थे उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जेएनयू के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके साथ कुछ महिलाएं आई जेएनयू से उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और दी सके किस तरीके से महिलाओं का भी रिपोर्ट है। पुलिस तैयार हो चुकी है, पूरी पूरी
तैयारी है और पुलिस लाठी चार्ज के लिए तैयार हो चुकी है और यहाँ पर पूरी पोजीशन में है। पुलिस प्रशासन पूरी मजबूती के साथ अपनी लाठी गुंजाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का समर्थन देखिए किस तरीके से भारी मात्रा में इस मैदान में। और हमारे बीच नेशनल प्रेसिडेंट है जेएनयू से, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उन लोगों को भी ले जाते हुए ये देखिए हम भी चंद्रशेखर के साथ गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये चल नहीं सकता, ये दमन नहीं चल सकता इस हिसाब से। हम सब लोग अपने घर के जाएंगे। कार्यकर्ताओं को, और मैं आपसे दिखाना चाहता हूं कि भीम आर्मी के संस्थापक, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया और उनके साथ प्रवीण गौतम और उनके साथ चंद्रशेखर के साथ पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया गया है। और देखे किस तरीके से गाड़ी में खाना साई जोर जोर के चक्कर में हम तुम्हारे साथ।
से यहाँ पर महिलाएं लिट गई है, कह रही है हमारी लाशों के ऊपर को गुजर कर जाना पड़ेगा, अगर चंद्रशेखर की गिरफ्तारी हो रही है तो हमारी लाशों को गुजर कर जाना पड़ेगा। बस देखिए किस तरीके से रोड पर बैठ गई है बहने और माताएं जय समर्थन के साथ। आप चाहेंगे कि चंद्रशेखर को जेल में दोबारा से ले जाया जाए? ये समर्थक रोड पर उतर गए हैं, रोड पर लिट गए हैं, अगर चंद्रशेखर को जेल ले जाया गया तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर चुकी है। ये देखे किस तरीके से माताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, झंडा लग गया गाड़ी पर, झंडा ऊपर कर, ये तिरंगा ऊपर और तिरंगा ऊपर कर, वो नीचे करो, वो नीला झंडा नीचे कर, तिरंगा ऊपर कर। ये देखे किस तरीके से यहाँ पर पूरा जनसैलाब उमड़ा है और पूरे जनसैलाब के साथ साथ पुलिस प्रशासन मौजूद है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर हो रही है साथियों, और किस तरीके से सभी साथियों को और यहाँ पर कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर महिलाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। तैयारी करो रैली की भाई, ये जो आपके साथ हो रहा है क्या हो रहा है, कैसे पुलिस तानाशाही चल रही है? यहाँ हक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका उल्लंघन हो रहा है। नॉन पॉलिटिकल रूप से हम एक यात्रा निकाल रहे हैं साहब का जन्मदिन मनाने के लिए, क्योंकि वो हमारे नायक है, दिल्ली जा रहे हैं, प्रशासन तानाशाही कर रहा है सरकार के इशारे पे, यूपी गवर्नमेंट जो है इसे रोकने का काम कर रही है, जबकि परमिशन है सब चीजें हैं, इन्होंने आज कैंसिल कर दिए परमिशन। ये चाहते हैं कि हम चुपचाप बैठ जाए, हम गुलाम नहीं, हम इस देश में स्वतंत्र हैं, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, जेल नहीं कहीं भी ले जाएं, हमारे साथ बार साथ हम इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। और 15 तारीख को दिल्ली की धरती पे नीला सैलाब आएगा, 15 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा। साथियों रवाना हो चुके हैं यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर रवाना हो चुकी है पुलिस और यहाँ पर महिलाएं कह रही है साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे और पूरे भारत में फैला दे। चंद्रशेखर आजाद और पूरी टीम जो यात्रा लेकर निकली है, गिरफ्तार हो चुकी है। चलो ये गाड़ी निकल चुकी है साथियों, देखिए किस तरीके से।
इस गाड़ी को लेकर निकल चुका है काफिला और इसमें हमारी माताएं बहनें और महिलाएं हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने कर रही है साथियों, और पुलिस यहां पर कुछ भी कर सकती है। पूरी टीम अरेस्ट हो चुकी है, मैन पदाधिकारी अरेस्ट हो चुके हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहां तानाशाही पुलिस की सरकार, और यहां पर भीम आर्मी के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी भी गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें नीचे युवा साथी यहां पर है, तब तक हम शेखर भाई को अकेले गिरफ्तार नहीं होने देंगे। चाहे जब तक हमारी जान में जान है, भीम आर्मी के साथ पूरा देवबंद विधानसभा खड़ा है और हम आखिरी दम तक, चाहे जेल में दो बार जाना पड़े चाहे दस बार जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। और साथियों से निवेदन करना चाहते हैं, आसपास के जितने भीम आर्मी के सैनिक हैं जल्दी से जल्दी देवबंद पहुंचे और अपनी ताकत का एहसास करा दें साथियों इस मनवादी सरकार को। चाह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को जेल में जाया जाए या दोबारा से किस तरीके से यहां से निकाला जाए और चंद्रशेखर को धोखे से निकालने की कोशिश करें साथियों, पूरे देश में इस आवाज को बुलंद करने का काम करें।
लगातार जुड़े रहे किस तरीके से बच्चों में भी आक्रोश है और फिर ताकत के साथ यहाँ पर